हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर हमने ना कुछ लीची के बीज लगाए थे और वो बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं। और ये प्लांट जो है ना, तो ये अब काफी अच्छे बड़े हो रहे हैं। बट यहाँ पर ना बड़ी हार्श विंटर होती है, अब देखते हैं सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। और यहाँ पर ये ना हॉट एयर बलून है। यहाँ पर आई थिंक आसपास ही ना कोई हॉट एयर बलून स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जब अभी जब तक थोड़ी सी अच्छी सनशाइन है ना, ये रोज राइड होती है। हमने आपके साथ इससे पहले भी एक वीडियो में, एक ब्लॉग में शेयर किया था। बिल्कुल हमारे ही घर के पास ये आ गया था। आई मीन पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी शायद इस वजह से। तो ये बिल्कुल नीचे से जब उड़ रहा था ना, तब हमने आपके साथ पिछले वीडियो में कुछ वीडियो पहले शेयर किया था। तो चलिए अब चलते हैं सीधे किचन में। सो किचन में स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। जैसा कि हमने आपको पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि हमने सूजी के लड्डू बनाए हैं, सो यहाँ पर हम आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं। सो एक बाउल कोई भी सेट कर लीजिए आप, कोई भी कटोरी, कोई भी कप, कुछ भी आप सेट कर लो। उसी से सारी चीजें अगर आप लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके लड्डू जो है बन के तैयार होंगे। सो यहाँ पर हमने 1.5 कप, 1.5 बाउल जो हमने लिया है उसके लगभग हमने यहाँ पर सूजी ली है। ये मोटी वाली सूजी है, क्योंकि जब सूजी के लड्डू हो या कोई भी थोड़ा सा दरदरा सा टेक्चर होता है ना, तो बहुत ही अच्छा जो टेस्ट है वो आता है। तो यहाँ पर ना हमने ड्राई रोस्ट की है सूजी, एकदम पैन में ना ऐसे एकदम ड्राई ड्राई ही इसको रोस्ट किया है हमने। लगभग 7-8 मिनट हमने इसको लो टू मीडियम हीट पर रोस्ट किया है। और ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया जो सूजी का दाना है ना, वो फूल गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं घी। सो हम 4 चम्मच के लगभग अभी ऐड कर रहे हैं। इसमें और भी घी जाएगा, बट हम थोड़ा स्लोली ऐड कर रहे हैं। आई मीन इकट्ठा एक साथ घी नहीं ऐड कर रहे हैं। सो हमने 4 चम्मच ऐड किया, देन मिक्स किया, और जब हमें लगेगा तो हम और 1-2 चम्मच ऐड करेंगे। तो इस सूजी को ना अब बस बढ़िया से ना 2 से 3 मिनट और बढ़िया से इसको रोस्ट करना है घी के साथ, जिसमें कि ये घी के साथ अच्छे से रच बस जाए। और यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून के लगभग और घी ऐड किया है, और अब हम इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। सूजी ऑलमोस्ट जो है ना सिक चुकी थी, बस हमें घी के साथ इसको थोड़ा सा और रोस्ट करना है। और गैस जो है ना एकदम स्लो है। तो ये देखिए आप, अब ना जो ये घी जो सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल के तैयार हुई है, और जो घी के साथ ना अच्छे से मिक्स हो गई है। सो बस इतना ही हमें इसको सेकना है, इसका कलर ज्यादा डार्क नहीं करना है। अब हम उसी बाउल से ना यहाँ पर ऐड कर रहे हैं शुगर। सो एक जो बाउल है पूरा भर के हमने शुगर ऐड किया है। इसके अलावा हमने 4 टेबल स्पून के लगभग और इसमें शुगर ली थी, और वो हमने ऐड की है क्योंकि हमें जो लड्डू है ना थोड़े मीठे से बनाने थे। आई मीन अगर आप चाहो तो एक बाउल से भी अच्छे खासे मीठे लड्डू बन जाएंगे, बट हमने यहाँ पर 1 बाउल और थोड़ी सी और 3-4-5 चम्मच और हमने शुगर ऐड की थी। तो शुगर तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा बिल्कुल कर सकते हो। बस अब यहाँ पर शुगर के साथ ना अच्छे से इसको मिक्स करेंगे सूजी को, जिसमें कि जो शुगर है ना वो तो अच्छे से इसमें भी रच बस जाए जो सूजी है उसमें। अब यहाँ पर 1/2 बाउल हमने ऐड किया है, 1/2 बाउल हमने इसमें ऐड किया है ये डेसिकेटेड कोकोनट। सो जो ये डेसिकेटेड कोकोनट है ना, ये बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एंड में ही लगभग इसको ऐड किया है। तो ये भी अच्छे से सूजी के साथ भुन जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट। और इसके अलावा उसी बाउल से हमने 1/2 लगभग लिया है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम और पिस्ता। इसके अलावा हमने 3 से 4 टेबल स्पून किशमिश ऐड की हैं, और इनको भी साथ में बस 2 मिनट के लगभग भून लेंगे। अगर आप हमें पहले से फॉलो करते हो ना, तो आपको पता होगा कि हम ड्राई फ्रूट्स ना वॉश करके और अवन में ड्राई रोस्ट करते हैं। सो इसलिए हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो ऑलरेडी रोस्टेड हैं। अगर आप चाहो तो बिल्कुल इन्हें घी में रोस्ट करके और फिर ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने ना सारी चीजों को अच्छे से मिक्स किया है। 2 से 3 मिनट और इनको लो फ्लेम पर ही बस मिक्स करते गए हम। और इसके बाद हमने ना ये कोकोनट क्रीम ली है, ये ऑर्गेनिक भी है और अनस्वीटेंड भी है। सो ये ऑर्गेनिक थाई कोकोनट क्रीम है, और ये हमने लगभग 2 स्कूप भर के, 2 चम्मच भर के इसमें ऐड किया है, और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं।
तो अगर आपके पास कोकोनट क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह पर जो फुल क्रीम होती है ना, जिसे आप विपिंग क्रीम होती है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। अगर वो भी आपके पास नहीं है इनकेस, तो आप ना दूध की जो मलाई होती है ना, आप वो भी ऐड कर सकते हो। सो आप आराम से दूध की मलाई इसमें ऐड करो, और जब तक ये बढ़िया से ना बिखर ना जाए तब तक उसमें ऐड करना है। आप मिल्क ऐड ना ही करें, क्योंकि मिल्क ऐड करने के बाद ना ये थोड़े टाइट हो जाएंगे लड्डू, और अगर आप क्रीम ऐड करेंगे ना तो ये बहुत बढ़िया सॉफ्ट लड्डू एकदम बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप क्रीम ही ऐड करें, चाहे तो मलाई ऐड कर लें, जो घर में आप मिल्क लाते हैं ना उसकी मलाई ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग और हमने थोड़ा सा इसमें घी ऐड किया है, थोड़ी सी शाइन और थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके, और अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। सो एक्चुअली हमारा ना ये जो मिक्स था, ये ज्यादा ही ठंडा, ज्यादा देर तक हमने छोड़ दिया था, इसलिए थोड़ा सा ये ड्राई ड्राई सा हो गया था। अगर आप इसको ना थोड़ी देर बाद ही बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको और इसमें कोई क्रीम कोई कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ेगा। पर हमने जब देखा ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड था बनाना, मतलब इसको फिर वही है कि मेहनत ज्यादा लगती। तो हमने क्या किया कि 2 चम्मच के लगभग और इसमें क्रीम ऐड की, और देन फिर हाथ से मिक्स किया, तो बहुत इजीली ये ना आराम से मिक्स भी हो गया और लड्डू बनके तैयार भी हो गए। तो जैसा कि हमने आपसे बोला, थोड़ा गरम गरम में ही आप चाहो तो बना सकते हो, तो आपको ये प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। इतना ज्यादा मसलना फिर से नहीं पड़ेगा, और फिर से 2 चम्मच आपको क्रीम नहीं ऐड करनी पड़ेगी। सो थोड़ा सा गरम गरम में ही बना लें आप। तो बस हमने यहाँ पर 2 चम्मच और लगभग क्रीम ऐड की है, और बस अच्छे से मसल के ना इसको तैयार किया है। बहुत ही इजी बन जाएंगे इसके लड्डू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है तो फिर आप, अगर आप क्रीम ऐड नहीं करना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल मिल्क भी ऐड कर सकते हो, बट मिल्क से ना थोड़े से हार्ड बनेंगे, और क्रीम से ना एकदम बढ़िया सॉफ्ट लड्डू ये बन के तैयार होंगे। और बनाना भी बहुत इजी होता है जब आप क्रीम वगैरह इसमें ऐड कर देते हो ना, और ये एकदम टेस्टेड रेसिपी है। आप इसको बना के बिल्कुल एज इट इज तैयार कर सकते हो। सो बस अपने हिसाब से आप शेप दे लें। अगर आप चाहें तो बिल्कुल जो मोदक वाला मोल्ड होता है ना, उसमें भी इनको बना सकते हैं। हमारे पास मोल्ड तो है, पर हमें एकदम ध्यान से भूल गया कि वो मोल्ड भी हम यूज कर सकते थे। तो हमने तो ऐसे ही सिंपल इसको बना लिया है, बट हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास मोल्ड हो ना मोदक वाला, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, बहुत ही इजीली बन के तैयार होंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम पापा के लिए मीठा या लड्डू बनाएंगे ना, तो उसी मोल्ड में बनाएंगे। एक्चुअली त्रिशिका उसके साथ कुछ ज्यादा ही खेलती है ना, तो हमने वो यहाँ वहां रख दिया, और फिर हमें याद ही नहीं रहा कि वो भी है, उससे भी बनाए जा सकते हैं लड्डू। तो यहाँ पर ना बहुत ही इजीली ये बन के तैयार हो जाएंगे। सो बस इसी तरीके से हमने सारे लड्डू अपने जो है वो बना के तैयार कर लिए थे, और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से बन के तैयार हुए थे, और बहुत ही इजीली बन गए थे। बिल्कुल बिना मेहनत के ये बन गए थे। तो आप भी चाहें तो बिल्कुल इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब ये हम एक्चुअली वीकेंड का आपके साथ आगे का शेयर कर रहे हैं। हम लोग गए थे शॉपिंग करने, सो डेफिनेटली शॉपिंग जो की है, थोड़ा सा घर के लिए सामान लिया था, तो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये लड्डू की रेसिपी के बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे जो भी हम लोगों ने वीकेंड में शॉपिंग की थी ना वो। तो अधिकतर अल्टरनेट वीकेंड पर या वीकेंड पर हम लोग बाहर जरूर जाते हैं, क्योंकि घर घर में रह के भी ना थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, तो बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली फिर शॉपिंग वगैरह हो ही जाती है। तो ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली इस बार गए थे टीजे मैक्स, और टीजे मैक्स हमारा फेवरेट स्टोर है। अगर आप हमें फॉलो करते हो तो टीजे मैक्स हम काफी जाते हैं। सो वहां से हम एक्चुअली कुछ चीजें लेके आए थे, तो वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक्चुअली हमने कुछ सॉसेस लिए हैं, और ये है ना स्वीट एंड सावर सॉस है, और ये एक्चुअली पटेटो विंग्स वगैरह जब आप बनाओ या कोई भी चीज एयर फ्राई करो ना, तो इसमें ऊपर से आप डाल सकते हो या इसके साथ खा सकते हो। ये स्टर फ्राई सीसमी सॉस है, इसको भी आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हो, साथ में डिप की तरह भी खा सकते हो। ये वाटरमेलन का एक जूस है, त्रिशिका ने चूज किया था क्योंकि उसको वाटरमेलन बहुत पसंद है, बट उसने जब हमने उसको दिया ना, तो उसने नहीं खाया था ये। और ये फर्स्ट टाइम ना हम सुपर
कोलेजन का ये कुछ टैबलेट्स हैं ये लेके आए हैं, क्योंकि कोलेजन ना अब हो ही प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो फिर हमने सोचा है अब फर्स्ट टाइम इसको भी हम ट्राई करें। तो ये है, और इसके अलावा ये हमारा जो प्लग पावर डिलीवरी वाला पोर्ट होता है ना वो है, ये फास्ट चार्जर होता है वो है, उस काइंड ऑफ का है फास्ट चार्जिंग के लिए। तो ये है, इसके अलावा मैंगो की जो चिप्स वगैरह है ना, है तो ये आई मीन पोटैटो की ही, पर इसमें मैंगो का फ्लेवर है। तो ये चिप्स हैं, और इसके अलावा एक गुआकामोले वाली चिप्स है, इसमें आई मीन एवोकाडो वगैरह कुछ होगा, तो वो है। इसके अलावा यहाँ पर ये पैन हम लेके आए थे, ये ग्रीन पैन है, और ये काफ़ी अच्छा निकला था, हम एक बार और इसको यूज़ कर चुके हैं तो ये काफ़ी अच्छा निकला था, तो हमने सोचा अब उसको बदल के ना नया पैन ले लेते हैं, तो वही अगेन हमने ग्रीन पैन लिया। और इसके अलावा ये स्टैंडर्ड वाले ना पिलो कवर हैं, इंडिया वाले हैं ये, और इंडिया के जब पिलो कवर मिलते हैं ना तो हम जरूर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम सिंपल वाले पिलो कवर होते हैं ऑलमोस्ट। और ये प्लेट वगैरह रखने के लिए, सर्व करने के लिए है, तो ये 4 का सेट है, ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगा, पिस्ता ग्रीन कलर में है, तो ये भी हम लेके आए, हमें अच्छा लगा ये एक्चुअली। और इसके अलावा एक टेबल रनर है वाइट कलर का, क्योंकि अभी ये फॉल वगैरह आ गई ना, तो अब ये चीज़ें चेंज होंगी और हमें ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पसंद है, आई मीन हर चीज़ दोनों टेबल पे ना चेंज करते रहो तो अच्छा लगता है हमें, तो इसलिए ये हम लेके आए थे, और इसके साथ ही मैच भी कर रहा था। और इसके अलावा ना ये पम्पकिन वगैरह का सीजन है यहाँ पर, तो ये हम पम्पकिन कलर का ही एक पैंट लेके आए हैं, रेट्रो बोलते हैं ना, रेट्रो सॉर्ट ऑफ कुछ है ये पैंट, सो ये हमें काफी ठीक लगा ऋतुशिका के लिए, इसलिए हम ये लेके आए। इसके बाद ये हम लेके आए थे एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंशन है, क्योंकि कभी कभी ना आयरन वगैरह करने के लिए ना पूरा टेबल हमें ऐसे घुमाना पड़ता है, तो हमने सोचा एक्सटेंशन यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, सो ये एक्सटेंशन है उसके लिए। और ये अगेन त्रिशिका के लिए ना एक जैकेट सॉर्ट ऑफ है, ठंड के लिए है, थोड़ी कम ठंड होगी ना तो ये चलेगा, या अंदर भी कुछ गर्म पहना के ये पहना देंगे ना तो चलेगा। अभी काफी उसको ढीला है ये त्रिशिका को, लेकिन बहुत ही क्यूट लग रही थी वो, इसमें हम आपके साथ फोटो या वीडियो अगले नेक्स्ट जो बनाएंगे ना ब्लॉग उसमें हम शेयर करेंगे, क्योंकि वो उस पर बहुत ही अच्छा लगा ये हमें। और हम थोड़े बड़े ही कपड़े लेते हैं, क्योंकि अब बढ़ते हुए बच्चे के लिए ना थोड़े बड़े ही कपड़े सही रहते हैं। और ये एक बॉटल है, ये भी त्रिशिका के लिए है, पानी वगैरह दिन में हम उसको ग्लास के चक्कर में ना देना ही भूल जाते हैं, तो आज हम बॉटल भर देते हैं, अब फ्री रहते हैं। और ये जो है ना ये बहुत ही अच्छा है, हमने एक्चुअली टमेटोज के लिए ये बॉक्सेस रखना स्टार्ट किए हैं अपने फ्रिज में, बहुत ही टाइम तक फ्रेश रहते हैं ये, बहुत ही अच्छे बॉक्सेस हैं, आप भी चाहो तो फ्रिज में ट्राई कर सकते हो। और ये ना ये ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स ना त्रिशिका को बहुत ही पसंद हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे उसको, तो मैग्नेटिक ब्लॉक हैं ये, बहुत ही ज्यादा पसंद हैं ये। और ये टंग क्लीनर है त्रिशिका के लिए ही, और ये ट्रे है, ये संग आई थिंक ये मार्बल की है, संगमरमर की है, तो ये काफी अच्छी लगी, तो हमने किचन के लिए ली एक्चुअली। और ये पिंक सॉल्ट है, क्योंकि अब हम व्हाइट सॉल्ट नहीं खाते हैं, पिंक सॉल्ट यूज करते हैं। और यहाँ पर ये एक हमने ना ऐसे स्टोर करने के लिए, चीजों को किचन की चीजों को स्टोर करने के लिए ना, ये पैकेट्स वगैरह जो खुल जाते हैं उनको स्टोर करने के लिए ये प्रॉपर बकेट सॉर्ट ऑफ ये लिया है, बास्केट बकेट कह सकते हो, बास्केट कह सकते हो आप। एक ये आर्टिफिशियल प्लांट है, देन इसके बाद 2 स्पैचुला है, आई मीन एक डीप उसका है और एक स्पैचुला सॉर्ट ऑफ है, तो ये हमें इसकी ना डिजाइन बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम इसको लेके आए, थोड़ी डिफरेंट सी लगी। तो ये 2 स्पून एंड स्पैचुला है, तो यही सारा सामान था। और इसके अलावा ना हमने एक बड़ी सी सीनरी भी परचेज की है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं त्रिशिका के साथ आरती, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है जब भी वो आरती करती है, तो चलिए सुनते हैं त्रिशिका से आरती। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता देव, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, मनोरथ को पूरा करो जग बलिहारी,
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।